शिमला जिला के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजन न किए जाने पर कांग्रेस मुखर हो गई है। रामपुर बुशहर में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन रामपुर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला राजनीतिक द्वेष के कारण आयोजित नहीं किया गया। इससे स्थानीय व्यापारी और आसपास के ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों को अपने उत्पाद बेचने का शुभ अवसर नहीं मिला। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान नियम 167 के तहत इस मामले को रखा जाएगा और सरकार से इसका जवाब मांगा जाएगा। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी और नशे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि अगर प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर पैदा करती तो प्रदेश में जो नशा तेजी से बढ़ता जा रहा है उस पर लगाम कसता। उन्होंने कहा, बेरोजगारी के कारण ही युवा तंग आकर नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वार्ता के बाद कांग्रेस ने रामपुर में रैली निकालकर जन जागरण अभियान भी किया। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, यही कारण है कि युवा बेरोजगारी से तंग आकर नशे की ओर अग्रसर है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कोई कदम नहीं उठा रही। जहां आपको उसमें पकड़ करनी चाहिए, आप सोचिए कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के द्वारा रामपुर के अंदर एक स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण किया गया। आप सोचिए, 4 साल से अधिक होने को आया है, इनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, उसमें कुछ कमियां हैं, वो ये सरकार उस कमियों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। आप सोचिए, स्पोर्ट्स हॉस्टल खुलेगा तो जो नशे में जो युवा जा रहा है उसका ध्यान कहीं ना कहीं खेलों की तरफ पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई नशे से हमारा युवा काफ़ी दूर इसमें जा सकता है और खेलों की तरफ उसकी रुचि बढ़ सकती है।